Welcome to PR Learning Lab. My name is Somya. और आज आज की की. वीडियो वीडियो में 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 हम हम बात करेंगे interjections की. Interjections हम अपनी day -day life में बहुत बार करते हैं. हैं पर ये ये क्या होते हैं? ये मैं आपको आज वीडियो में अच्छे से बताऊंगी पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन और अगर आपने इस पूरी वीडियो सीरीज की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वट वी विल लर्न वट आर इंटरजेक्शंस यूजिंग इंटरजेक्शन इन अंटेंस इंटरजेक्शन को सेंटेंसिस में यूज करना और वेन टू यूज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन को कब यूज करना चाहिए ये सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखेंगे तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं वट आर इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेज दैट शोज इमोशन इंटरजेक्शन एक शॉर्ट वर्ड या फ्रेज होता है जिससे हम इमोशन डिपिक्ट करते हैं इट ऑफन स्टैंड अलोन अनकनेक्टेड टू अंटेंस इनके बाद हम एक्सक्लमेशन मार्क्स और फुल स्टॉप्स का यूज करते हैं तो ये एक सेंटेंस से अनकनेक्टेड यानि कि अलग रहते हैं हम स्टेटमेंट्स में तब एड करते हैं जब हमें कोई इमोशन या सेंटिमेंट दिखाना हो जैसे कि सरप्राइज डिजकस्ट जॉय एक्साइटमेंट और इंथ्यूजियाजम कुछ इंटरजेक्शन आपको यहां देखने को मिलेंगे इंटरजेक्शन इन अंटेंस इंटरजेक्शन को हम स्टेटमेंट्स में किस तरीके से यूज करते हैं ओ अ ब्यूटीफुल हाउस आप देखेंगे यहां पर हमने जिस इंटरजेक्शन का यूज किया है वो है ओ oh. oh, हमने एक बहुत सरप्राइज एक्साइटमेंट के लिए यूज किया है कि वाओ कितना ब्यूटिफुल हाउस है या फिर ओ हो दिस लुक्स बैड ये बहुत बुरा दिखता है ओ हो वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट एक्चुअली अम इट्स नॉट डॉग पर हमने अम का यूज थिंकिंग के लिए किया है कुछ सोचने के लिए शूट आई थॉट आई फिक्स दैट आई कैन नॉट बिलीव आई लॉस्ट द की ओ ओ का यूज हम डिस्कस्ट में फ्रस्ट्रेट होने की बात करते हैं हे गेट ऑफ दैट फ्लोर यहां पे हमने हे का यूज किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया है कोई कमांड देने के लिए ओ दैट इज अ सरप्राइज गुड नाउ वी कैन मूव ऑन ये सारे ही हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन हैं। वेन टू यूज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शंस हैव नो रियल ग्रामिटिकल वैल्यू बट वी यूज़ दैम क्वाइट ऑफन यूजअली मोर इन स्पीकिंग दैन इन राइटिंग इंटरजेक्शंस की कोई ग्रामिटिकल वैल्यू नहीं होती है ग्रामर से रिलेटेड ये नहीं होते हैं इन्हें हम कई बार बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में अपनी डे टू डे लाइफ में दैन इन राइटिंग मतलब कि राइटिंग से ज्यादा लिखने से ज्यादा हम इन्हें बोलने में अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं दे आर फाइन टू यूज इन कैजुअल एंड इनफॉर्मल राइटिंग इट्स ओके टू यूज देम इन स्पीच बट अवॉइड यूजिंग इंटरजेक्शन इन फॉर्मल राइटिंग बिकॉज इट मे अपियर दैट यू आर नॉट ट्रीटिंग द टॉपिक सीरियसली जब भी हम फॉर्मली कोई चीज लिख रहे होते हैं कोई पैराग्राफ कोई ऐसे या किसी को मेल तब हमें इंटरजेक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ये लगता है कि हम अपने टॉपिक को सीरियसली नहीं ले रहे हैं बट जब भी हम इनफॉर्मल राइटिंग कैजुअल राइटिंग कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तब हम उस केसेस में इंटरजेक्शंस का यूज कर सकते हैं आई होप आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग